हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरनर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार कैथल। टुडे इज 29 सितंबर 2022। लेट्स बिगिन टुडेज इंपॉर्टेंट नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज बोथ birth and death are to be registered within। आपको जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, इसे कितने दिनों के अंदर कराना अनिवार्य माना गया है? 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 45 दिनों के अंदर या 21 दिनों के अंदर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 21 डेज। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहली बात, भारत में जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना है, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, ये चीज किस नियम के अंतर्गत आई? तो आप बताएंगे ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत आती है। अब ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था, ये कब आया था, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 1969 के अंदर बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट इंडिया के अंदर 1969 के अंदर आया था। इस एक्ट के अनुसार आपको किसी भी नए बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर किसी पर्सन की डेथ हुई हो, दोनों ही सिचुएशंस को 21 दिनों के अंदर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ये रीसेंट चेंज के अनुसार 21 डेज है। इससे पहले जब शुरुआत में 1969 का ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि डेथ को आप 7 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं और बर्थ को 21 दिनों में कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया और बर्थ और डेथ दोनों का ही रजिस्ट्रेशन अब 21 दिनों में आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज मिट्रल रीगर्जिटेशन? आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि किसी व्यक्ति में मिट्रल रीगर्जिटेशन का कारण बन सकता है, मिट्रल रीगर्जिटेशन कंडीशन कॉज कर सकता है। मिट्रल रीगर्जिटेशन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपके ऑप्शंस हैं ट्यूमर, बैक्टीरियल वेजिटेशन, लेफ्ट आर्टीरियल थ्रोम्बस, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। अगर आप इस क्वेश्चन में इस टर्म को नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि मिट्रल रीगर्जिटेशन आखिर होता क्या है। आपने एक टर्म सुनी होगी फूड रीगर्जिटेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आप फूड रीगर्जिटेशन के बारे में जानते हैं। आपने GERD डिजीज के बारे में पढ़ा होगा, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के बारे में पढ़ा होगा। इस गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर क्या होता है, इसे जरा समझिएगा। मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का ईसोफेगस है, ये उसका स्टमक है। इस पर्सन ने कोई खाना खाया, माउथ से इसने फूड को खाना इंजेक्ट किया,
अब ये फूड इसके स्टमक में पहुंच गया, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर किसी कारण से ये फूड आगे ड्यूडेनम की तरफ मूव ना करके वापस ईसोफेगस या माउथ में आ जाए, तो आप इस चीज को रीगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में स्टमक से फूड पार्टिकल्स वापस ईसोफेगस और माउथ तक मूव करने लगते हैं, इसे ही हम फूड रीगर्जिटेशन के नाम से जानते हैं। सिंपली यदि कहें तो रीगर्जिटेशन का मतलब हो गया बैक फ्लो, यानी उल्टी दिशा में किसी चीज का मूव करना बैक फ्लो कहलाता है। अब यही कंडीशन, अब आप समझ चुके हैं एग्जैक्टली कि रीगर्जिटेशन शब्द का मतलब क्या होता है। अब मिट्रल रीगर्जिटेशन क्या है, इसे आप आसानी से समझ पाएंगे। इसे समझने के पहले हम एक हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द ह्यूमन हार्ट। इसके ये चार चैम्बर्स हो गए और इन चारों चैम्बर्स के बीच में ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। अब इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में तीन कस्प वाला वाल्व पाया जाता है, जिसे आप ट्राइकस्पिड वाल्व या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं। और हमें अभी काम है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाए जाने वाले वाल्व के बारे में। ये है हमारा मिट्रल वाल्व, या इसे आप बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ये जो ग्रीन कलर से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज मिट्रल वाल्व, या इसे आप बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। मिट्रल वाल्व कह सकते हैं या इसे बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी आप जानते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है सॉरी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये एरोटा के अंदर जाता है और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड पहुंच जाता है। लेफ्ट एट्रियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर एरोटा। अब जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा होता है, तो उस समय हमारा ये जो मिट्रल वाल्व है ये ओपन हो जाता है, ताकि यहां से पर्याप्त मात्रा में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंच जाए। और जब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर जा रहा होता है, तब ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ताकि जब वेंट्रिकल एरिया में कॉन्ट्रैक्शन हो, यहां पर संकुचन हो, तो ब्लड का वापस एट्रियम के अंदर बैक फ्लो ना हो पाए। गौर करिएगा, एक बार फिर से समझिएगा इस चीज को। जब हमारे, मैं यहां इसे ड्रॉ कर देता हूं, जैसे मान लीजिए ये हार्ट का चैम्बर है, ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व है। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, तब ये वाल्व ओपन रहते हैं, खुल जाते हैं, ताकि जो ब्लड है पर्याप्त मात्रा में कॉन्ट्रेक्शन के साथ सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाए। अब जब इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाना होता है, तो जब इस वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस होंगे, और कॉन्ट्रेक्शन होने के समय ये वाल्व जो है बंद हो जाते हैं, ताकि ये ब्लड इस ओपनिंग के थ्रू वापस एट्रियम में ना जा पाए। तो इस वाल्व के बंद होने के बाद सारा ब्लड एरोटा के अंदर मूव कर जाता है। लेकिन अब एक एबनॉर्मल कंडीशन आ गई है, एक कोई ऐसा पेशेंट आ गया है आपके पास जिसमें ये जो वाल्व है ये क्लोज हो ही नहीं पा रहा है, खुला ही रहता है। तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आ जाएगा इजीली, लेकिन जब ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर जाना होगा, यहां पर जब कॉन्ट्रेक्शंस होंगे, तो ये वाल्व बंद नहीं हो पाएगा और ब्लड का एक काफी बड़ा अमाउंट वापस एट्रिया के अंदर मूव कर जाएगा। इसी चीज को हमने मिट्रल रीगर्जिटेशन का नाम दिया है। अगर पूरी बात को मैं एक पॉइंट के अंदर समराइज करना चाहूं, तो समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति में हार्ट का
बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बंद नहीं हो पाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड एरोटा में जाना चाहिए था नहीं जा पाता, बजाय इसके इस ब्लड का कुछ हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ उल्टी दिशा में मूव कर जाता है। इस कंडीशन को हम मिट्रल रिगर्डिटेशन का नाम देते हैं। होपफुली अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि मिट्रल रिगर्जिटेशन आखिर होता क्या है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। अब बैकफ्लो का कारण क्या हो सकता है, इसे सेलेक्ट करें। क्या ट्यूमर के कारण वाल्व बंद नहीं हो पा रहा जिससे बैकफ्लो हो रहा है? क्या बैक्टीरिया उस वाल्व के ऊपर ग्रो कर गए हैं जिससे वाल्व बंद नहीं हो पा रहा है? क्या लेफ्ट एट्रियल थ्रोम्बोसिस हो गया है, वहां पर कोई थक्का क्लॉट बन गया है जिसके कारण वाल्व बंद नहीं हो पा रहा है? या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, यानी कि ब्लड वेसल्स की दीवार पर फैट आदि का डिपोजिशन हो गया है जिससे जो ओपनिंग है वो कम हो गई है और ब्लड आगे की तरफ नहीं फ्लो कर पा रहा है? इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपने सुना है, चुना है। अगर यहां मैं एक बार फिर से इस चीज को ड्रॉ करना चाहूंगा, अगर किसी क्लाइंट के मिट्रल वाल्व के ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए और इस बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण ये वाल्व आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, क्लोज नहीं हो पाएगा, तो ये कंडीशन मिट्रल रिगर्जिटेशन करवा देगी। मिट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व पर यदि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है तो इस कंडीशन के कारण जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं हो पाएंगे। अगर दरवाजों में जंग लग जाता है तो वो बंद नहीं हो पाते। इसी प्रकार से वाल्व के ऊपर बैक्टीरिया लग गया है जो इसे बंद नहीं होने दे रहा, एक ही जगह जकड़ के रखता है, खुला ही रखता है, और यही मिट्रल रिजर्जिटेशन का कारण भी है। आइए अब मिट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में आप जान चुके हैं, अब हम मिट्रल रिगर्जिटेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसे भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए कॉजेज ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन। सबसे पहला कॉज है कंजनाइटल एनोमलीज ऑफ वाल्व, कंजनाइटल एनोमली ऑफ वाल्व। हार्ट के जो वाल्व्स हैं, चाहे ट्राइकस्पिड हो बाइकस्पिड हो, उनमें बच्चे में जन्म के समय से ही अगर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो बंद नहीं हो पा रहे हैं तो ये मिट्रल रिगर्जिटेशन का कारण बन सकता है। हो सकता है वाल्व बना ही ना हो, या हो सकता है वाल्व में फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, हो सकता है वाल्व के बीच में होल हो या प्रॉपर स्ट्रक्चर ना हो, तो ये सभी कारण मिट्रल रिगर्जिटेशन का कॉज बन सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है मार्फन डिजीज, मार्फन्स डिजीज, ये भी मिट्रल रिगर्जिटेशन का एक कारण हो सकता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि मार्फन डिजीज आखिर है क्या। मार्फन सिंड्रोम, इट इज अ मल्टी सिस्टम जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कनेक्टिव टिश्यू। अगर कोई आपसे पूछे कि मार्फन सिंड्रोम क्या है तो आप बताएंगे मार्फन सिंड्रोम एक कनेक्टिव टिश्यूज को प्रभावित करने वाला डिसऑर्डर है, डिजीज है। दोज विद कंडीशन टेंड टू बी टॉल, थिन, लॉन्ग आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोज। जिन लोगों में ये मार्फन सिंड्रोम होता है
वो नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में अत्यधिक लंबे होते हैं, पतले दुबले होते हैं। इनके आर्म, लेग, फिंगर, टोज नॉर्मल की तुलना में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। दे ऑल्सो टिपिकली हैव ओवरले फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स एंड स्कैलियोसिस। इन व्यक्तियों में जो ज्वाइंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और उनके अंदर स्कोलियोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी इन व्यक्तियों की स्पाइनल कॉर्ड सीधी ना होकर इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है, एस शेप की होती है। दिस इज कॉल्ड स्कोलियोसिस कंडीशन। स्कोलियोसिस के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अगर रीढ़ की हड्डी साइड में मुड़ जाए तो यह कंडीशन स्कोलियोसिस के नाम से जानी जाती है। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व्स हर्ट एरोटा विथ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स एरोटिक एन्यूरिज्म। यहां पर आपके क्वेश्चन से संबंधित बात है कि अगर किसी व्यक्ति में मार्फन सिंड्रोम है जिससे उसके कनेक्टिव टिश्यूज प्रभावित हुए, बात तब तक तो ठीक है जब तक कि उसकी लंबाई बढ़ी, हाथ पांव लंबे हो गए, फिंगर बड़ी हो गई, स्कोलियोसिस हो गया। लेकिन अगर ये मार्फन सिंड्रोम और सीवियर स्टेट में जाता है तो इस डिजीज के अंदर उस व्यक्ति का हार्ट और ब्लड वेसल्स भी प्रभावित होने लगती है। इस व्यक्ति में हार्ट की कंडीशन मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स देखने को मिलेगी, एरोटिक एन्यूरिज्म देखने को मिलेगी, एरोटा बैलून की तरह फूल जाएगी और मिट्रल वाल्व जो है अपनी लोकेशन से हट जाएगा, और जिसके कारण मिट्रल रिगर्जिटेशन जैसी स्थिति बन सकती है। लंग्स, आईज, बोन कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो कॉमनली अफेक्टेड। इसके अलावा मार्फन सिंड्रोम होने पर व्यक्ति की स्पाइनल कॉर्ड, आईज, लंग्स, बोन आदि भी प्रभावित हो सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मार्फन सिंड्रोम अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉज की अब हम बात करते हैं। थर्ड नंबर पर आप नोट करिएगा एंडोकार्डाइटिस, या फिर आप इसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कह सकते हैं। अगर किसी पर्सन की हर्ट की सबसे अंदर वाली लेयर यानी एंडोकार्डियम के अंदर इन्फेक्शन हो जाए और इस लेयर में इन्फ्लेमेशन आ जाए, तब भी आपके जो वाल्व हैं प्रॉपरली ओपन क्लोज नहीं हो पाएंगे और मिट्रल रिगर्जिटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे हर्ट की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है वो वाल्व के ऊपर भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो फिर आता है डैमेज टू कॉर्डे टेंडेनी, या इसे आप नोट करिएगा इस्चेमिक डैमेज, इस्चेमिक डैमेज टू कॉर्डे टेंडेनी। क्या होता है कॉर्डे टेंडेनी, इस पर थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। जैसे कि घरों में जो गेट लगते हैं, दरवाजे लगते हैं, उसे उसकी नॉर्मल पोजीशन में बनाए रखने के लिए दीवार और दरवाजे के बीच में एक जॉइंट लगता है, एक क्लिप लगती है जो दरवाजे को सीधा खड़ा रखती है, पकड़ के रखती है वो नीचे ना गिर जाए। इसी प्रकार से हार्ट के जो वाल्व होते हैं उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे हम कॉर्डे टेंडेनी कहते हैं। अगर इस कॉर्डे टेंडेनी में पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाए तो यहां की सेल्स डेड हो जाएंगी, और डेड होने के कारण ये अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो वाल्व है एक बार खुल तो जाएंगे लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी ना हो पाने के कारण ये बंद नहीं हो पाएंगे, एक ही जगह पर जाम हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कारण की बात करते हैं, रूमेटिक वल्व्यूलाइटिस। नोट करिएगा रूमेटिक
वल्व्यूलाइटिस। रूमेटिक फीवर का नाम आपने सुना होगा। यहां पर जो र्यूम शब्द होता है, RHEMU, र्यूम शब्द का मतलब होता है इंफ्लामेशन। अगर किसी क्लाइंट में रूमेटिक फीवर हुआ है, मतलब उसकी बॉडी के किसी हिस्से में इंफ्लामेशन हुआ है। अगर हमारे हार्ट के वाल्व के अंदर इंफ्लामेशन आ जाए, वाल्व के अंदर रूमेटिक फीवर के कारण इंफ्लामेशन आ जाए, तो ये कंडीशन रूमेटिक वाल्वाइटिस कहलाती है। और अगर वाल्व मोटे हो गए, उसमें इंफ्लामेशन आ गई, तो ये आलसी हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, क्लोज नहीं हो पाएंगे, और क्लाइंट के अंदर मिट्रल रीगर्जिटेशन जैसी कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन। यहां पर आपको एक टर्म बतानी है, एनी ह्यूमन और एनिमल विच प्रोवाइड्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंफेक्शियस एजेंट इज कॉल्ड। आप उस कंडीशन को किस नाम से जानेंगे, या उस ह्यूमन एनिमल को किस नाम से जानेंगे जो कि किसी इंफेक्शियस एजेंट को ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में मदद करे। यानी ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट जो किसी भी इंफेक्शियस एजेंट को ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में मदद करे, क्या कहलाएगा? द राइट आंसर इज ससेप्टिबल होस्ट। यस, इसे नोट कर लीजिएगा, थोड़ा टिपिकल है बट इसे याद रखना होगा, बिकॉज इस तरह की टर्म्स पूछी जा सकती हैं। ससेप्टिबल होस्ट का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसके अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होगी तभी तो कोई वायरस बैक्टीरिया पहुंचकर तुरंत उसके अंदर ग्रो करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। तो सिंपली कहिए, जिसमें इंफेक्शन होने की संभावना ज्यादा है ससेप्टिबल होस्ट है, या जिसमें कोई भी इंफेक्शियस एजेंट आराम से आकर अपनी कॉलोनी बना ले, मल्टीप्लीकेशन कर ले, ग्रोथ करे, उससे बीमार कर दे, ये ससेप्टिबल होस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सप्लाई टू द हार्ट इंटरप्टेड मोर देन 6 मिनट्स, दिस मे कॉज। अगर किसी पेशेंट में हार्ट तक 6 मिनट तक लगातार ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाए, तो इसके बाद कौन सी कंडीशन होगी? रिवर्सिबल MI हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इररिवर्सिबल MI हो सकता है, कार्डियक ब्लॉक हो सकता है। अगर हार्ट की मायोकार्डियम तक 6 मिनट तक ब्लड नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंची, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचे, तो क्या होगा? यस, इट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल MI। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगर हार्ट तक 6 मिनट तक ब्लड सप्लाई ना पहुंचे, तो 6 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और इतनी देर बिना ऑक्सीजन के वहां के टिश्यू सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और टिश्यू डेथ होने लगेगी, नेक्रोसिस होने लगेगा, इंफ्रैक्शन होने लगेगा, और इस सिचुएशन को हम वापस ठीक नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन इररिवर्सिबल MI कहलाएगी। रिवर्सिबल MI का मतलब होता है ऐसा मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसे हम ठीक कर सकते हैं। यानी हार्ट अटैक आया लेकिन उसे हमने समय से ट्रीटमेंट कर दिया तो वो ठीक हो गया, तो ये कहलाएगा रिवर्सिबल MI। और इररिवर्सिबल MI का मतलब है कि हार्ट अटैक आया, हम उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए और फिर पर्सन की डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल डिस इन्फेक्टेंट विच एक्ट्स बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज।
आपको उस डिसइन्फेक्टेंट का नाम बताना है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करके डिसइन्फेक्शन कॉज करता हो। क्लोरीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्कोहल या फिर फिनॉल। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, इट इज फिनॉल। जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया पर आपने फिनॉल डाल दिया। जैसे ही आप इस पर फिनॉल डालेंगे तो ये फिनॉल क्या करेगा, इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसे जाकर डैमेज कर देगा, जगह जगह से इसमें गैप डाल देगा, इसे हटा देगा। अब अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल ही प्रॉपर तरीके से नहीं है, या आगे बैक्टीरिया जब मल्टीप्लिकेशन करता है तो वहां पर सेल वॉल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती, तो ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, ये किल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल एक ऐसा केमिकल एजेंट है, ऐसा केमिकल डिसइंफेक्टेंट है जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है। यहां पर डिसइंफेक्टेंट शब्द पर गौर करिएगा, ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि इंफेक्शन को कम कर दे, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इज कॉल्ड। आपको उस पर्टिकुलर टर्म का नाम बताना है जो ये बताती हो कि डिजीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेबीज, डॉग बाइट के कारण डॉग से रेबीज कंडीशन इंसानों में आती है, ह्यूमंस में आती है, तो ये किस प्रकार का डिजीज है ये आपको बताना है। ऑप्शन होता तो आप इस चीज को जरूर गैस कर लेते, सही आंसर बता देते, लेकिन ये चीजें आपको गैस नहीं करनी है, आपको इन्हें टिप पर करना है। तो याद रखिएगा, द राइट आंसर इज जूनोसिस। जूनोसिस वह कंडीशन है जिसमें कोई डिजीज एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। अगर एनिमल से कोई डिजीज ह्यूमन में होता है तो ये कंडीशन जूनोसिस कहलाता है। जू नो सिस, जू नो सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। इनमें से कौन सा सूचर नॉन एब्जॉर्बेबल है। सूचर शब्द का मतलब आप सभी समझते ही हैं, जो थ्रेड आता है जिससे आप स्टिचेस लगाते हैं, हॉस्पिटल में कट फट लगने पर जो टांके लगाए जाते हैं वो थ्रेड सूचर कहलाता है। और नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है जो शरीर में गलता नहीं है, शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता, एक बार स्टिचेस लगवाने के बाद हमें वापस हॉस्पिटल आना पड़ता है इन्हें रिमूव करवाने के लिए, टांके खुलवाने के लिए। तो इनमें से नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कौन सा है ये आपको बताना है। विक्राइल, पॉलिस्टर, क्रोमिक कैटगट या फिर मोनोक्राइल। सूचर लगभग सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाला एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसे जरूर तैयार करना चाहिए। एम्स के अंदर तो, एम्स नौसठ के अंदर तो सूचर का जो पाउच आता है उसे देखकर इमेज पूछी जाती है कि ये कौन सा टाइप का सूचर है, तो आप इसे जरूर तैयार करें, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पॉलिस्टर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का टाइप है पॉलिस्टर।
आइए इनके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर सभी सूचर टाइप को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हमने उन पर्टिकुलर टाइप्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप सूचरिंग मटेरियल को, सूचर को दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एब्जॉर्बेबल सूचर, यानी कि ऐसे सूचर जो हमारी बॉडी में लगने के बाद बॉडी के एंजाइम्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बॉडी के एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा जो सूचर्स डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें एब्जॉर्बेबल सूचर कहते हैं। और दूसरा टाइप है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, जो कि बॉडी गला नहीं पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब एब्जॉर्बेबल सूचर्स की यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है पॉलीग्लैक्टिन। पॉलीग्लैक्टिन जो है एब्जॉर्बेबल सूचर है। फिर आता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, फिर आता है कैटगट क्रोमिन, और फिर आता है पॉलीग्लैकैप्रोल। फिर हम बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की, जिसमें सबसे पहला है पॉलीप्रोपाइलीन, फिर आता है नाइलॉन या पॉलीमाइड, फिर आता है सिल्क, फिर आता है पॉलिस्टर, और फिर आता है स्टील। यहां पर जो क्रोमिक कैटगट है या कैटगट क्रोमिक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्रोमिक कैटगट जो सूचर है, ये आपका शिप इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो मूड फॉर एटलीस्ट। अगर किसी व्यक्ति को आप मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का पेशेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस पर्सन में लो मूड मिनिमम कितने समय तक रहना चाहिए। एक बार फिर से समझिएगा, किसी व्यक्ति में लो मूड या डिप्रेशन मिनिमम कितने सप्ताह तक रहे कि हम इस केस को, इस पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड से सफरिंग कह सकते हैं। ऑप्शन ए 2 weeks, 1 week, 8 week, 4 weeks। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2 weeks। याद रखिएगा, अगर आप किसी व्यक्ति को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड से सफरिंग डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके अंदर लो मूड एटलीस्ट 2 weeks का होना चाहिए। मिनिमम 2 weeks तक उसका लो मूड होना चाहिए, तब आप उसे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का पेशेंट डिक्लेयर कर पाएंगे। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? क्लेफ्ट लिप कंडीशन के लिए, इम्परफोरेट एनस के लिए, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के लिए, या फिर कंजनाइटल हार्ट फेलियर के लिए? रूल ऑफ 10 किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है? पुट योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आप सब में से जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर किया है, आप सभी बिल्कुल सही हैं। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे हम। आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर इसे साथ ही साथ नोट करते रहिएगा। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10।
सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इसका पर्पस क्या है, क्यों इसे बनाया गया। इसके द्वारा हम रेडीनेस ऑफ एन इन्फेंट फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप, किसी भी बच्चे में यदि क्लेफ्ट लिप है, यानी कि उसका जो होंठ है वो फटा हुआ है जन्म के साथ ही, और हम उसे सर्जरी द्वारा रिपेयर करना चाहते हैं, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करना चाहते हैं, तो ये बच्चा इस सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं, इसे पता करने के लिए रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहां इसे ब्रीफली मेंशन कर देता हूं, टू चेक रेडीनेस ऑफ इन्फेंट फॉर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप। बच्चा क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को करने के लिए क्या तैयार है, इस चीज का असेसमेंट रूल ऑफ 10 के द्वारा किया जाता है। अब इस रूल ऑफ 10 के अंदर हम कौन कौन सी चीजें चेक करते हैं, इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। रूल ऑफ 10 के अंदर बेसिकली हम चार चीजों को चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे का जो वजन है 10 पाउंड होना चाहिए। बच्चा इस सर्जरी को सह लेगा क्या, उसकी बॉडी इस ऑपरेशन को बर्दाश्त कर पाएगी, इस चीज का असेसमेंट रूल ऑफ 10 करवाता है। इसका जो पहला क्राइटेरिया है उसमें बच्चे का सर्जरी के समय वजन कम से कम 10 LBS होना चाहिए, 10 पाउंड इसका वजन होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि बच्चे की एज कम से कम 10 वीक होनी चाहिए, यानी बच्चा कम से कम 2.5 महीने का होना चाहिए। उसके बाद बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल कम से कम 10 ग्राम होना चाहिए, और आखिरी बच्चे के अंदर WBC काउंट जो है लेस देन 10,000 होनी चाहिए। ये चीजें हमें रूल ऑफ 10 के अंदर नोट करनी होती है। एक बार फिर से इसे समराइज कर देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, और अपकमिंग एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, प्रीवियस एग्जाम में पूछी भी गई है। अगर किसी बच्चे में क्लेफ्ट लिप की सर्जरी आपको करनी है तो क्या ये बच्चा इस सर्जरी के लिए तैयार है, इस चीज का आपको असेसमेंट करना हो तो इसके लिए रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल किया जाता है। इस रूल ऑफ 10 के अंदर हम मोटी मोटी चार चीजें चेक करते हैं। पहला रूल ऑफ 10 का स्टेप है कि बच्चे का वजन 10 पाउंड होना चाहिए, उसके बाद बच्चे की उम्र 10 सप्ताह होनी चाहिए, और फिर उसके बाद बच्चे में हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम होना चाहिए, और बच्चे की WBC काउंट 10,000 होनी चाहिए। WBC काउंट नॉर्मली 4,000 से 11,000 के बीच होती है। अगर किसी व्यक्ति में WBC काउंट 11,000 से ऊपर होता है तो इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर इंफेक्शन प्रेजेंट है, और अगर WBC का काउंट 4,000 से कम हो जाए तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति में इम्यूनिटी नहीं है। यदि उसे कोई हल्का सा भी इंफेक्शन लगे तो उसके बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन कॉज कर सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, अदर देन फूड एंड वाटर, विच कैन ट्रांसफर द इंफेक्शियस एजेंट टू ह्यूमंस। ऐसी कोई भी नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तु, खाना और पानी इन्हें छोड़कर, जो कि किसी एक व्यक्ति से इंफेक्शन दूसरे में ट्रांसफर कर सके, क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा, कोई भी इनएनिमेट
ऑब्जेक्ट लाइक क्लोथ्स, यूटेंसिल, फर्नीचर जो कि इंफेक्शन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैला सकते हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? यस एग्जैक्टली द आंसर इज फोमाइट्स। होपफुली आप सभी ने बिल्कुल सही गैस किया होगा। मान लीजिए कोई इंफेक्टेड पर्सन है और उसकी बॉडी का इंफेक्शन उसके कपड़ों में है, अब इसके कपड़े किसी और ने पहन लिए तो उसे भी ये इंफेक्शन हो गया। तो कपड़ा एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है यानी निर्जीव वस्तु है और इस निर्जीव वस्तु के द्वारा इंफेक्शन एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कंडीशन फोमाइट्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स प्रेशर ऑफ ब्लड प्रेशर 140 बाय 90 mm ऑफ Hg इज। आपको उस पर्सन का पल्स प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसमें बीपी 140 बटा 90 mm ऑफ Hg है। कैलकुलेट दिस फास्ट। 140 बाय 90 mm ऑफ Hg, बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह पता होना चाहिए कि पल्स प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। नोट करिएगा, पल्स प्रेशर इक्वल्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर आप सिस्टोलिक बीपी से डायस्टोलिक बीपी को घटा दें तो पल्स प्रेशर आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 140 बटा 90। हम इसी वैल्यू के बिहाफ पर इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, ब्लड प्रेशर दिया गया है 140 बटा 90। यहां पर ये जो ऊपर वाली रीडिंग है, ऊपर वाला बीपी है, इसे आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये जो नीचे वाला बीपी है, नीचे वाली वैल्यू है, इसे आप डायस्टोलिक बीपी के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करिएगा। सिस्टोलिक बीपी है यहां पर 140 और डायस्टोलिक बीपी है 90। तो 140 में से जब आप 90 को घटाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50। तो आप कह सकते हैं कि 50 mm ऑफ Hg इस पर्सन का पल्स प्रेशर होगा। यहां पर mmHg जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका फुल फॉर्म भी चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इसे आप मिलीमीटर ऑफ मर्करी के नाम से जानते हैं। mm ऑफ Hg का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। मर्करी जिसे आप पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजीरियम के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे Hg द्वारा लिखा जाता है। मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी ये प्रेशर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली अगर आप इसे एक ट्रिक के रूप में याद रखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से रिवाइज करिएगा। पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी, पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी, पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी, इस तरह से आप इसे याद रख पाएंगे। एग्जैक्टली आपसे कहा जाए कि पल्स प्रेशर होता क्या है, तो आप इसे बता सकते हैं कि जब हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार सिकुड़ता है, तो इसके द्वारा कितना फोर्स जनरेट किया जाता है, ये पल्स प्रेशर कहलाता है। हार्ट के एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने पर कितना फोर्स पैदा हुआ, कितना बल लगा, इस चीज को पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है।
और अगर आपसे कोई पूछ ले कि नॉर्मल नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? आप इस बात को जानते हैं कि हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। अब इस वैल्यू को आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 120 - 80, तो आंसर आएगा 40। तो हम कह सकते हैं 40 mmHg इज द नॉर्मल पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कौन सी कंडीशन के रूप में देखा जाता है? हाइपोकैलेमिया, एनाफाइलैक्टिक शॉक, कार्डियक डिसरिथमियास, कार्डियक एनलार्जमेंट। जब भी कहीं आप मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी MI शब्द देखें, तो इसका सिंपल मतलब होता है हार्ट अटैक। तो आपसे यहां हार्ट अटैक का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जा रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्डियक डिसरिथमियास। हार्ट अटैक आने के बाद सबसे ज्यादा हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की रिदम है, इसमें डिस्टरबेंस देखा जाता है। हार्ट अटैक आने के बाद कार्डियक डिसरिथमियास सबसे ज्यादा होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप चाहें तो हार्ट अटैक के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्हें नोट कर सकते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर MI। सबसे पहले सबसे ज्यादा आने वाला कॉम्प्लिकेशन लिखेंगे हम डिसरिथमिया। डिसरिथमिया हार्ट अटैक आने के बाद 80% लोगों में देखने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। इट इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI कंडीशन। इसके बाद सेकेंड नंबर पर यदि बात की जाए तो कार्डियोजेनिक शॉक। फिर बात करें तो हार्ट फेलियर। फिर बात करें तो वेंट्रिक्युलर एनिरिज्म। और आखिरी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ड्रेसलर सिंड्रोम। अब सभी चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है। आइए इसे भी जान लेते हैं शॉर्ट में। ड्रेसलर सिंड्रोम, हार्ट अटैक आने के बाद मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने के बाद यदि व्यक्ति के अंदर प्लूराइटिक चेस्ट पेन, पेरिकार्डाइटिस, फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस जैसी फाइंडिंग्स हो, तो ये कंडीशन ड्रेसलर सिंड्रोम कहलाता है। ड्रेसलर सिंड्रोम को आप इस प्रकार से नोट करें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस
दैट अकर आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं इन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहला है प्लूराइटिक चेस्ट पेन, सेकेंड नंबर पर आता है पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस का मतलब है हर्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर होती है, हर्ट के चारों तरफ जो बाहरी लेयर पाई जाती है उसमें अगर इंफ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। आइटिस शब्द जहां भी जुड़े इसका मतलब होता है इंफ्लामेशन। फिर हम बात करते हैं फीवर, और आखिरी फोर्थ चीज आती है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का सिंपल मीनिंग है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या नॉर्मल से ज्यादा है तो ये कंडीशन ल्यूकोसाइटोसिस कहलाती है। होपफुली अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हार्ट अटैक आने के बाद सबसे ज्यादा यानी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कार्डियक डिसएरिथमिया होता है। आपने डिसएरिथमिया और एरिथमिया दो शब्द पढ़े होंगे, इन दोनों में वैसे क्या डिफरेंस है इसे जान लेते हैं। हालांकि ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए, अपने नॉलेज के लिए इसे सीख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बोथ एरिथमिया एंड डिसएरिथमिया रेफर्स टू एबनॉर्मल रिदम ऑफ योर हार्ट। एरिथमिया और डिसएरिथमिया दोनों ही शब्द हार्ट की जो बीट है, हार्ट के जो कॉन्ट्रैक्शन है, उनकी रिदम के एबनॉर्मल होने को बताते हैं। अगर आप एरिथमिया की बात करते हैं तो इसका मतलब है हार्ट की रिदम नॉर्मल से अलग हो चुकी है। हो सकता है वो पहले की तुलना में ज्यादा फास्ट हो गई हो, या हो सकता है पहले से काफी स्लो हो गई हो। हार्ट रिदम में आया डिस्टरबेंस जो कि फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, इसे बताने के लिए हम हार्ट एरिथमिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और डिसरिथमिया क्या है इसे अगर आप स्पेसिफिकली समझना चाहें तो ये भी हार्ट की हार्ट बीट्स का इरेग्युलर होना है, लेकिन जो हर्ट रेट है वो रेंज में रहती है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जो हर्ट रेट है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट की होती है। अगर 100 से ज्यादा हो तो टैकीकार्डिया, 160 से कम हो तो ये कंडीशन ब्रैडीकार्डिया कहलाती है। डिसरिथमिया वह कंडीशन है जब हमारे हर्ट की हर्ट रेट 60 से 100 के बीच में है, लेकिन हर्ट बीट जो है वो इरेग्युलर है। कभी दिल धड़क रहा है, कभी नहीं धड़क रहा, कभी तेज धड़कता है, कभी धीमे धड़कता है, लेकिन एक मिनट में 60 से 100 के बीच में ही टोटल बार धड़केगा, तो ये कंडीशन डिसरिथमिया कहलाती है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड्स मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डियक डैमेज। अगर किसी क्लाइंट में कार्डियक डैमेज को आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए कौन सा मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट माना जाएगा? ALT, SGPT, CKMB, LDH, AST, SGOT। यहां पर ALT जिसे आप SGPT कहते हैं और AST जिसे आप SGOT कहते हैं, दोनों ही लीवर से संबंधित जानकारी दिलाते हैं, यानी लीवर एंजाइम है ये जो कि लीवर डैमेज के बारे में जानकारी देते हैं। अब इन दोनों में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। हालांकि ये दोनों ही हर्ट डैमेज को बताते हैं।
तो अब आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा है, उसे सेलेक्ट करना है। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर सीकेएमबी को हम मोस्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट मानेंगे जो कि कार्डियक डैमेज को बताता हो। देखिए होता क्या है, ये जितने भी LDH, CKMB, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंजाइम्स हैं, ये हमारे हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ही हमारे हार्ट की ये मायोकार्डियल सेल्स डैमेज होती हैं, सेल के डैमेज होने के कारण ये सभी एंजाइम्स ब्लड के अंदर आ जाते हैं। और जब हम ब्लड टेस्ट करवाकर इन एंजाइम्स का लेवल ब्लड में पता करते हैं, तो अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि ब्लड में ये बढ़े हैं, मतलब सेल्स डैमेज हुई हैं और हार्ट अटैक आया है। तो इस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं इन टर्म्स के बारे में, इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में। हालांकि ये एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ALT का फुल फॉर्म है एलेनिन ट्रांसएमाइनेज, या फिर इसे आप एलेनिन एमाइनो ट्रांसफरेज के नाम से भी जानते हैं। ALT को हम पहले के समय में, प्रीवियस टाइम में, या फॉर्मली सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसएमाइनेज या फिर सीरम ग्लूटामिक पाइरुवेट ट्रांसएमाइनेज के नाम से जानते हैं। सिंपली शॉर्ट में आपको बताऊं तो आप इसे SGPT भी कहते हैं। ALT कह दीजिए या SGPT कह दीजिए, एक ही बात है, सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसएमाइनेज। सेकंड आता है AST, इसे आप एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज या फिर सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलोएसिटिक ट्रांसएमाइनेज के नाम से भी जानते हैं, इसे आप SGOT भी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, AST means aspartate amino transferase, इसे आप SGOT भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलोएसिटिक ट्रांसएमाइनेज। फिर बचता है LDH, LDH का फुल फॉर्म है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। लास्ट टर्म है CKMB, क्रिएटिनिन काइनेज MB, क्रिएटिनिन काइनेज MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सीजेरियन सेक्शन। सीजेरियन सेक्शन के लिए एब्सोल्यूट इंडिकेशन किसे माना जाएगा, यानी कि इस कंडीशन के होने पर आप सीजेरियन सेक्शन के द्वारा ही, ऑपरेशन के द्वारा ही डिलीवरी करवा सकते हैं। इस कंडीशन के होने पर वेजाइनल डिलीवरी करवा पाना असंभव है। ऑप्शन ए कहता है प्रीवियस LSCS, अगर वुमेन को पहले लोअर सेगमेंट सीजेरियन सेक्शन हुआ है, यानी पहला बच्चा भी ऑपरेशन द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी फीटल डिस्ट्रेस, यदि बच्चा डिस्ट्रेस में हो, तकलीफ में हो, स्ट्रेस में हो। ऑप्शन सी ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी बच्चा उल्टी पोजीशन में हो, यानी उसके बटक्स पहले हो और सर ऊपर हो। ऑप्शन डी टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सीजेरियन डिलीवरी। यस ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगर किसी वुमेन में टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया है, तो वहां पर आप कभी भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते, वहां सीजेरियन सेक्शन करवाना ही पड़ेगा। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसे जान लीजिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान
यदि प्लेसेंटा सर्विक्स को कवर करते हुए इम्प्लांट हो जाए तो ये कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया है। मान लीजिए ये यूट्रस है और प्लेसेंटा यूट्रस में इस जगह पर जाकर इम्प्लांट हो गया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और ये आपका बेबी है। तो अब क्या बच्चा इस प्लेसेंटा के इस जगह मौजूद रहते हुए वेजाइनली डिलीवर हो सकता है? नहीं हो सकता। दिस इज टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा सर्विक्स को कवर करते हुए इम्प्लांट हो जाए तो ये कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया है। और इस प्लेसेंटा के अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप 4 सबसे डेंजरस माना जाता है। इसमें सर्वाइकल ओपनिंग या सर्वाइकल ओएस कंप्लीटली प्लेसेंटा द्वारा कवर्ड रहता है और बच्चे के वेजाइना के थ्रू डिलीवर होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अगर आपने टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी करवाने की कोशिश की तो इससे बहुत ज्यादा हैमरेज हो सकता है और बच्चे और मां दोनों पर लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर रह सकता है, यानी डेथ होने की संभावना रहती है। और स्पेसिफिकली यदि आप इस टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया को जानना चाहें तो इसे क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। अ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया इज आल्सो नोन एज टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। जब प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरह से कवर कर ले तो इसे आप कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया या टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इट इज द लीस्ट लाइकली रिजॉल्व विद एडवांसिंग गेस्टेशन इफ डिटेक्टेड इन अर्ली प्रेगनेंसी। अगर आपने टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन को अर्ली प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई कर लिया तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी इस चीज के रिजॉल्व होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। अगर आपको टाइप 4 के अलावा टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 टाइप का है प्लेसेंटा प्रीविया तो गेस्टेशनल पीरियड के आगे बढ़ने पर इसके ठीक होने की संभावना रहती है, लेकिन टाइप 4 ठीक नहीं होगा ये निश्चित है। इन दिस सिचुएशन द प्लेसेंटा एंटायरली कवर्स द इंटरनल ओएस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इस सिचुएशन में प्लेसेंटा के द्वारा सर्वाइकल ओएस को कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है और बेबी के यहां से डिलीवर होने की संभावना खत्म हो जाती है। कंप्लीट प्रीविया विल रिक्वायर सीजेरियन सेक्शन फॉर डिलीवरी टू अवॉइड रिस्क ऑफ मैटरनल एंड फीटल हैमरेज। अब हम बात करते हैं कि जो सीजेरियन सेक्शंस हैं इसके लिए क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, किन किन कंडीशंस के अंदर हमें सीजेरियन सेक्शन करवाना ही पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि अगर टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया हो। सेकंड आता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। अगर पेल्विस की ओपनिंग और बच्चे के पासेज हेतु प्रॉपर नहीं है तो वहां पर हम सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही बर्थ करवाते हैं, वहां वेजाइनल डिलीवरी संभव नहीं है। इसके अलावा अगर वुमेन को सर्विक्स कैंसर हो, एडवांस सर्वाइकल कैंसर हो, तो इस सिचुएशन में भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती। एडवांस्ड कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन एंड इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी प्रकार का है तब भी आप सिजेरियन सेक्शन द्वारा डिलीवरी नहीं करवा सकते। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मंडे से लेकर सैटरडे रात 8:30 बजे फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती हैं।
आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और कोई भी क्लास आप मिस ना करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।